नमस्कार मेरे YouTube की फैमिली, आज तक तो सारे लोग अच्छे हो गए। अभी मैं गुजरात आया हुआ, मतलब जो वडोदरा सिटी उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी ब्लॉक में आपने देखा होगा मेरे कैसे सरदार वल्लभ भाई जी का वीडियो दिखाया। उसके बाद जंगल सफारी में आ चुके हैं और जो उसका टिकट लगा है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए लगा है। तो यहाँ पास सारे जंगल का हम लोग जायजा लेने वाले हैं और दूसरी चीज इसमें कितने सारे जानवर है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते गाइस। इस जंगल में अभी तक मैंने जो अभी देखा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पैंथर देखा है और उसके बाद आगे क्या क्या देखते हैं दिखाता हूँ आपको गाइस। It's going to come again. दो राइनो हो भाई और दोनों के दोनों आराम कर रहे हैं, एक पानी में और एक आराम कर रहे हैं। भारती, वाणी, मोर सब इसमें देखेंगे, वो भी आप टच कर सकते हैं। ये देख लो ओपन मुराइला गांव की भाषा में मोर मतलब। ऐसा लग रहा है हम लोग जुरासिक वर्ल्ड में आ गए। थोड़ा चिड़िया की आवाज निकाल दिया। अरे बाप रे बाप, अरे बाप, इधर तो पूरी बाड़ी बाड़ी भाई। भाई पूरी दुनिया के बकुला, मुराइला, बाड़ी सारी चिड़िया आ गई। कबूतर, बकुला, बाड़ी, टिटिहरी, बतख, मुराइली सब है भाई। बोलोगे कुछ? बोलते बोलते उड़ गए यार। और बोलो खाना वाना हो गया? खाना हो गया बोलता है हाँ, एक बार तो हाँ बोला है। और बीवी भी कहाँ तुम्हारी? भाई कुछ बोल नहीं रहा आगे। और मेरे शेर? अरे तोता से नाश्ता के बारे में पूछा, कमर फाड़ दिए थे भाई। मुझे लग रहा है दुनिया की सारी चिड़िया मोदी जी इसी वाले जंगल सफारी में छुड़वाए हैं। यदि आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं और जंगल सफारी एंजॉय कर सकते हैं, यदि किड है और यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ये आपके लिए फुल एंजॉय वाला प्लेस है और बच्चों के लिए भी। बहुत सारी चिड़िया अनेक प्रकार की, हिरन की माँ का पूरे बच्चे, माँ की पूरे बच्चे बच्चे भाई, छोटे छोटे बच्चे भी।
राम राम जी मेरे YouTube की फैमिली। और अभी अंतिम राइड जो एकता क्रूज पर है, और क्रूज के मैं सामने हूँ, अभी देख सकते हैं आप, मैं अभी गोल्फ कार पर बैठा हूँ और जा रहा हूँ आराम से। ये मोदी जी के बहुत फैन है, जितना बड़ा मैं हूँ मुझसे भी बड़े भाई साहब। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर बहुत शर्मा रहे, पता नहीं क्यों। हम लोग अभी जाने वाले भाई क्रूज पर। अभी मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगा, फ्रंट साइड भी दिखाऊंगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का, क्योंकि क्रूज अपना वहाँ जाने वाला है। और क्रूज पर ऊपर जो हवा आ रही है आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हाय गाइस, आपको बता देना चाहूंगा, अभी हम लोग ये जो नर्मदा रिवर है हम लोग उस पर चल रहे हैं, और एक क्रूज है बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि गुजरात आ रहे हैं तो क्रूज में जरूर जाना है, क्योंकि इससे आप जब आप राइड लेंगे ना तो इसका जो बैकग्राउंड है ना स्टैचू का, वो आप पूरा देख सकते हैं। और इसका जो एंजॉयमेंट होता है नाइट में, कसम से, जैसे कोई जवाब नहीं, आप देख सकते हैं। ऐसे आपको बता दूं, मैं इतने से गुजरात में हूँ, और जो यूनिटी ग्लो गार्डन है, ये स्टैचू है ना जो अपना वल्लभ भाई पटेल जी का, उसके जस्ट सामने। ऐसा लग रहा हूँ मैं किसी दूसरे देश में आ चुका हूँ ये सब चीज देखने के बाद। और सबसे अच्छी बात आपको ये बता दूं, यहाँ पास बहुत प्रकार के पौधे हैं जिसमें से लाइट लगी हुई और वो ग्लो कर रहे हैं, लिए यूनिटी ग्लो गार्डन है। गार्डन देखा आपने कैसा था? ऐसा लग रहा था आपको कि ये इंडिया नहीं फॉरेन कंट्री है। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, ये स्टैचू के जस्ट सामने है, सेम इसका भी वहीं से आप टिकट बुक कर सकते हैं, जिसका मैं एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आने से पहले पहले जानवर देखने के बाद आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट्स बताना, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है वीडियो जरूर शेयर करना।